हेलो नमस्कार, हमारी बात शर्मा जी से हो रही है? हाँ जी, शर्मा जी बात कर रहे हैं, आप कौन? जी मैं पटना ऑफिस से विवेक बात कर रहा हूँ। आपकी बच्ची का नाम सोनम कुमारी है और इसी साल उन्होंने प्लस टू का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें उनका टोटल सब्जेक्ट था हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, हिंदी और संस्कृत। उनका सारा पेपर तो सही है, लेकिन हिस्ट्री में 4 नंबर से क्रॉस लग रहा है। सर कुछ हो सकता है क्या जिससे क्रॉस ना लगे और हमारी बच्ची पास हो जाए? देखिए, रिजल्ट बनने से पहले हम सबका नंबर देख रहे हैं, जिसमें आपकी बच्ची का 4 नंबर से क्रॉस लग रहा है हिस्ट्री में। तो अगर आप आज के डेट में पटना आ सकते हैं तो आ जाइए, तो हम उनका 4 नंबर दे के पास करा देंगे। लेकिन इसके लिए आपको कुछ पैसे देने होंगे। तो सर बताइए कितने पैसे देने होंगे? ज़्यादा नहीं, बस 3,000 लगेगा। सर हो तो जाएगा ना? जी बिल्कुल हो जाएगा, तभी तो आपको कॉल किए हैं। अगर करवाना चाहते हैं तो आ जाइए पटना बोर्ड ऑफिस में, नहीं तो आपकी मर्जी। सर अभी तो हम टूर पे आए हुए हैं, बिना पटना आए हुए काम नहीं हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, उसके लिए आपको पहले ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। ठीक है सर, हम कर दे रहे हैं। बताइए क्या चीज़ पे करना है, गूगल पे या फ़ोन पे? आप इसी नंबर पे फ़ोन पे कर दीजिए। हाँ ठीक है सर, हम अभी कर देते हैं। धन्यवाद। तो कुछ इस तरह से फ्रॉडबाजी हो रही है, हालांकि अभी ये नया तरीका है। पहले क्या होता था कि पहले बैंक से बोलकर कॉल आता था कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपके ATM में ये प्रॉब्लम है, उसे जल्दी से सुधार करवा ले वरना बंद हो जाएगा। तो ऐसे में खाताधारी परेशान होकर उसे अपने अकाउंट से रिलेटेड सारी जानकारी बता देते थे, जिसकी वजह से उनका अकाउंट पूरा साफ हो जाया करता था। मतलब ये कि फ्रॉड उनके अकाउंट से सारे पैसे उड़ा लेते थे। उसके बाद टेलीकॉम कंपनी लाइक एयरटेल, वोडाफोन, जियो के नाम पे कॉल आना शुरू हो गया, मतलब जो कि फ्रॉड कॉल्स होते थे, और वो ये कहते थे कि कंपनी के नाम से आपको इतने इतने रुपए का इनाम मिल रहे हैं, तो आप इसे अकाउंट में लेने के लिए अपना बैंक डिटेल्स बताइए, तो लोग हैं बता देते थे, तो उनका भी पैसा लुल हो जाता था, यानी उनके भी पैसे बैंक अकाउंट से उड़ा लिए जाते थे। उसके बाद फोन पे के नाम पे फ्रॉड होना शुरू हो गया। कॉल आता था और ये कहा जाता था कि 5,000 एज अ गिफ्ट के तौर पर आपको मिले हैं, आप उसे अकाउंट में क्यों नहीं ले लेते? तो जो भी फोन पे यूजर होते थे वो खुश हो जाते थे, अरे मुझे 5,000 मिला और बताइए मुझे मतलब कैसे उसे अकाउंट मिले। तो वो बेसिकली अकाउंट डिटेल्स ले लेता था उससे और पैसे आने के बजाय वापस चला जाता था, यानी पैसे उड़ा लिए जाते थे। दोस्तों मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना, दिल दुखाना बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही किसी भी बोर्ड या कोई टेलीकॉम कंपनी को डिफेम करना है। दोस्तों ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि बिहार बोर्ड के नाम पर एक बार नहीं बल्कि कई दफा कॉल आया है। मेरे जो भी जानने वाले लोग हैं उन लोगों के पास कॉल आया है, तो उन लोगों ने सबसे पहले हमें इन्फॉर्म किया, तो मैंने सोचा कि ये बात अपने फैमिली को बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फैमिली कौन? आप सभी लोग, आप सभी हमारे टेक्निकल मेहता फैमिली के मेंबर हैं, तो ये बात बताना लाजमी था, इसलिए मैंने आपसे ये सारी बातें शेयर की हैं। और एक बात याद रखें दोस्तों, फिलहाल बिहार बोर्ड के नाम पे कॉल आ रहा है, कल होके किसी भी बोर्ड के नाम पे कॉल आ सकता है। फ्रॉड जो है वो किसी भी बोर्ड का नाम ले सकता है। दोस्तों बिहार बोर्ड के नाम पे अभी तक ना जाने कितने लोगों के साथ धोखाधड़ी हो चुका होगा, ये कुछ भी आता पता नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि हमारे भारत के अधिकतर लोग जागरूक नहीं है, इसलिए आप और हम अपनों को, अपने पूरे देश को जागरूक बनाएं। इसलिए इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें, ताकि भारत के पूरे लोग जागरूक हो सके। अगर आप टेक्निकल मेहता फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आगे भी नई वीडियोस आप तक पहुंच सके। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।